हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं बंधन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अडोब फोटोशॉप की एक और नई क्लास में सीखेंगे एक नए टूल के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहें और चलें शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कल जो वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी पीछे जाकर देख लें। जो भी मैंने क्लासें की हैं शुरू से देखें, ताकि जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो वो भी समझ में आती जाएं आपको। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक पिक्चर है और इस पे आप देख सकते हैं, ये कुछ आपको फटी पुरानी भी नज़र आ रही हैं और ब्लैक एंड वाइट भी हैं। ये काफ़ी पुरानी पिक्चर हैं। तो इस पे हमने ये दाग कैसे ख़त्म करने हैं, ये लाइन ये वगैरह, कल तो हमने देखा था क्लोन स्टैम्प टूल को, ठीक है। और आज हम देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल, इसका यूज़। इसके नीचे और भी ऑप्शन हैं, उनका भी देखिए। पहले बात करते हैं इसकी। ये देखो, इस टूल में क्या होता है कि ये देखो, जिस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ब्रश घुमाएंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, यानी कि जिस सीमत में इसको आप घुमाएंगे उसी तरह से वो चीज़ ख़त्म होती जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि काफ़ी बार कुछ धब्बे भी बन जाते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड एक तरह का ना हो तो। ये देखें, लेकिन इससे भी अच्छा टूल एक और भी है। ये देखो, जब भी ब्रश को घुमाना है अच्छे तरीके से, ये देखो अभी यहाँ पे ये प्रॉपर सही काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैंने बताया था ब्रैकेट से आप हमेशा जूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो, तो इससे अगर आपका काम सही नहीं होता तो फिर उसके बाद आपने जाना है हीलिंग ब्रश टूल पे। ये देखें, तो दोस्तों हम जो हीलिंग ब्रश टूल है इसको कैसे चलाएंगे, देखिए इसमें। ये देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेम वही चीज़ जो मैंने पिछले आपको स्टैम्प टूल में बताई थी, आर्ट को प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद ये देखो, कौन से कलर आपने कहाँ से उठाना है, ये देखो यहाँ पे नज़र आ, साथ साथ में क्लिक करते जाओ तो ये देखो उसमें ख़त्म होती जाएगी। तो इसी हिसाब से जितना जूम करके काम करेंगे उतना ही आपको इजी भी लगेगा और आपका काम बिल्कुल ही सही होगा। ये देखो, लेकिन जितना ब्रश को छोटा रखोगे जब जूम करोगे तो ब्रश को उसी हिसाब से रखना है, ताकि काम करने के साथ साथ परेशानी भी ना हो। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो लाइन ख़त्म हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ से, आप देखो, एक लाइन में, और फिर से इसको थोड़ा सा जूम कर लें, क्योंकि जितना जूम करके काम करेंगे तो उतना ही आपका काम अच्छा होगा और जो दाग धब्बे होते हैं वो भी साथ में नहीं पड़ेंगे और एकदम से आपका काम बिल्कुल सही होगा। ये देखिए, देखें, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे काम करेंगे आपको थोड़ा थोड़ा इजी भी लगता जाएगा और अच्छे तरीके से आप इस पे वर्क कर पाएंगे। और यहाँ से आपने जो है आल लेयर कर देना है, और अगर न्यू लेयर ले लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में बताया था लेकिन इस बार मैं खुद नहीं ले पाया, बस थोड़ा जल्दी की वजह से। तो हमेशा न्यू लेयर पे ही काम करना है क्योंकि उस पर अच्छा रहता है काफ़ी। और यहाँ पे आप देखो, मैं जब कर रहा हूँ तो ये दाग धब्बे बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन पे इसके नीचे आएगा एक पैच टूल। अब इसका क्या काम है, इसको देखें, सिलेक्ट किया, ये देखो, तो ये काफ़ी मदद करेगा आपको काम में। ये देखो,
उसके बाद जब ये थोड़े बहुत जो धब्बे रह गए हैं इनको भी आप इजीली हटा लोगे। पहले इनको थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद हम इनको भी देख लेते हैं कि इनको कैसे हटाएंगे। ये देखें, क्योंकि ये सारा ऊपर से वाइट कलर है तो वाइट कलर हम इजीली बाद में भी हटा सकते हैं। देखें अब ज़्यादा जब इस तरह का इशू बन जाए तो उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पेन टूल का इस्तेमाल कर लें यहाँ पे, क्योंकि पेन टूल की क्लास तो आगे मैं कराऊंगा। ये देखें, सिलेक्ट कर लें और मेक सिलेक्शन में इसको ज़ीरो ही रहने दें। और उसके बाद आप क्या करें, स्टैम्प टूल का ले लें। ये देखें, ठीक है, कंट्रोल डी कर दें। तो ये देखें आपका एकदम प्रॉपर ये हो गया। अब आप चाहते हैं बाहर वाला करने के लिए तो फिर उसी तरह से पेन टूल को सिलेक्ट कर लें और जहाँ तक चाहिए आपको वो एरिया सिलेक्ट कर लें। ये देखें, उसके बाद ये देखें मेक सिलेक्शन ज़ीरो पे रहने दें। उसके बाद सेम वही, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाना है साथ में और बिल्कुल प्रॉपर बन जाएगा आपका, फील ही नहीं होगा कि क्या किया है। ये देखो अब आप ऊपर से देख सकते हो कि आपका बिल्कुल प्रॉपर हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ धब्बे रह गए हैं तो उसके लिए छोटा सा ब्रश करके ये देखिए एकदम से आपका जो ऊपर से पिक्चर जितनी भी थी वो सारी हट के एकदम ओके हो गई है। उसके बाद ये है, ये देखो इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि किस तरह का वहाँ पे बनेगा, ये देखो। लेकिन इसमें क्या है, ब्लैक पे हमेशा ऐसा ही इशू आता है, तो आप क्या करें, जो सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या जो है क्लोन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एकदम आपका अच्छा बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना, वो आप फिर बाद में किसी और टूल की मदद से कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखा, क्योंकि वाइट कलर है इस पर और कोई कलर तो है नहीं, अगर और कलर होता तो फिर आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें ये होता कि वो सारा जो है कपड़ा मिक्स हो जाता, लेकिन वाइट पे कभी भी इस तरह का इशू नहीं आता, क्योंकि वाइट पे बहुत ही कम डिज़ाइन नज़र आता है अगर उस पर कोई डिज़ाइन किया हो तब, नहीं तो उस पर कोई डिज़ाइन आपको कभी नज़र नहीं आता, क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ी हो तब। अगर लो लाइट पिक्चर हो फिर तो बन जाता है, जब मतलब कि ज़्यादा उस पर लाइट ना हो तभी उसमें कलर नज़र आते हैं सारे। ये देखें इस तरह से, अब ये थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी आप कर सकते हैं पिन टूल की मदद से कर लें। ये देखें, सिलेक्ट कर लें इसको, ये देखें, और यहाँ से फिर मेक सिलेक्शन, ये देखें यहाँ पे हमने गलती कर दी कि यहाँ पे हमने मेक सिलेक्शन जो करना था उसमें हमने कुछ अगर फीडर दे देते तो ये चीज़ नहीं बनती, जैसे कि ये लाइन नज़र आ रही है। तो हमेशा
जब आप इस बारीकी पे काम करो तो उस पे एक या दो का फीडर ज़रूर देना। ये देखो, तभी आप एक अच्छा काम कर पाओगे। देखो, तो ये आप देख सकते हैं कि पिक्चर हमारी बिल्कुल इसमें से ओके हो गई है। बस ये कुछ जो दाग धब्बे हैं, ये आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई और कलर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क करेगा। ये देखो, यहाँ पे कुछ भी फेल नहीं होगा, लेकिन वाइट पे अगर आप कोई कलर डाल के करेंगे तब ऐसा इशू इस पे आता है, नहीं तो बिल्कुल ये प्रॉपर वर्क एकदम सही से करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, सही किया, अगर इसको मैं ज़्यादा सिलेक्ट कर लूँगा तो देखना यहाँ पे एक निशान बन जाएगा। तो इस वजह से ज़्यादा कभी नहीं करना, हमेशा जो है एक कलर जहाँ पे हो और साथ में कोई कलर ना हो तभी इसका यूज़ कीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा काम वहाँ पे करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिक्चर में कितने जो कलर वगैरह थे, जो पेंसिल से लाइन वगैरह थी, उसको हमने कैसे ख़त्म कर दिया और कैसे पिक्चर को साफ़ कर दिया। अगर आपके पास पुरानी पिक्चर हैं जिस पे लाइन हो या फटी हुई भी हो तो उसका भी बैकग्राउंड आप इसी तरह से बना सकते हो, और फेस भी अगर फट जाए तो आप इसी की मदद से फेस भी बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।